Sam Shows. This is me, Sayed Ramin from Salalah, Oman. और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो का पार्ट टू, जो पहले मैंने सिखाए थे परफेक्टली स्टीम्ड राइस, और अब मैं सिखाने वाली हूँ दाल, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। अक्सर लोग दाल नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है जिससे सब पसंद करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1 कप चने की दाल, 1/3 कप मूंग की दाल, 1/4 कप मसूर की दाल, 1 छोटा साइज़ प्याज, 1 मीडियम साइज़ टमाटर, 1 ग्रीन चिली, 3 गार्लिक क्लोव्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। सबसे पहले मैं एक बाउल में सारी दालें डाल दूंगी। और उसे वॉश कर लूंगी। और उसके बाद दाल को भिगो के रखूंगी 3 से 4 आवर्स तक। अब मैं वेजिटेबल्स को काट लूंगी। अब तो मैं प्रोफेशनल मैजिशियन बन चुकी हूँ। फिर एक पैन में 4 कप पानी डालूंगी। और उसमें स्पाइसेस यानी सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर और टर्मरिक पाउडर ऐड करूंगी। अब उसमें टमाटर, ग्रीन चिलीज, क्लोव्स, गार्लिक क्लोव्स और प्याज शामिल करूंगी जो मैंने चॉप किया था। और इसमें साथ ही दाल शामिल कर देनी है। दाल को आप ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं, लेकिन 3-4 आवर्स तक मैंने रखी है। अब जब पानी उबलना शुरू हो जाए, उसे कवर करें और 40 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे रख के कुक करें। और अब मैं अपने राइस को जो मैंने कल बनाए थे उन्हें मैं रीहीट करूँगी। उसमें 2 क्यूब्स डालूंगी और इसे माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी। जब वो गर्म हो जाएंगे तो मैं इसे एक पैन में डाल दूँगी ताकि ये हीट रिलीज़ ना हो इनकी और ये वार्म रहे। तो इधर दाल पक रही है। तड़के के लिए 3 राउंड चिलीज चाहिए, रेड चिलीज, 1/2 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/4 कप ऑयल और यूर गुड टू गो। अब 40 मिनट्स हो गए हैं और दाल बहुत अच्छी सी टेंडर हो गई है, तो मैं इस पे से कवर उठाऊंगी और दाल को मिक्स कर लूंगी अच्छे तरीके से। देखें कितनी प्यारी सी दाल है। अब 40 मिनट्स तक ये देखें दाल इस तरह पक चुकी है। मैंने तो हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है इसे मिक्स करने के लिए। आप जैसे मर्ज़ी चाहें आप इसे मिक्स कर सकते हैं ताकि सब कुछ दाल में घुल मिल जाए और ये बहुत टेस्टी लगती है। फिर इट्स द फन पार्ट। दाल देखें कितनी सादा प्यारी सी हो गई है। और मैंने तड़का पैन में ऑयल डाल लिया है, क्यूमिन सीड्स डाल लिए हैं, राउंड रेड चिलीज डालनी है और इसे मीडियम फ्लेम पे पकने दें 2 मिनट्स के लिए। तो अब है मज़े वाला पार्ट जब हम अपनी गिस्पिस को अपनी दाल में शामिल करेंगे। और इतना प्यारी सी दाल तैयार है। ये चावलों के साथ दाल सर्व करें और अपनी ज़िंदगी खुशगवार बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो कैसा है? क्या बात है, ये दाल है या कमाल है।